हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आरबी यूट्यूब क्लास में। तो स्टूडेंट, आज ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्लास नाइन्थ की मैथ से लिया गया है और क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है और हमें इसमें क्या बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि इसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, जनरली अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें पावर 2 होती है हाईएस्ट, यानी कि डिग्री 2 होती है, तो उसे हम इजीली जो है फैक्टराइज कर लेते हैं। लेकिन अभी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको फैक्टराइज करने का आज हम सीखेंगे कि उसे कैसे फैक्टराइज करते हैं। थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन अगर आप ध्यान से वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। और इस क्वेश्चन को मैं बाद में एक दूसरे तरीके से बताऊंगा जो काफी इजी होगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और फिर मुझे बताइएगा कि जो टफ मेथड है और जो इजी मेथड है उसमें से कौन सा आपको आसान लगे। चलो फिर शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो एक्स क्यूब्ड माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 है, ये एक px होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है इस एक्सप्रेशन में, ये होता है आपका फैक्टर थ्योरम। क्या होता है? फैक्टर थ्योरम। तो इस फैक्टर थ्योरम में क्या करना होता है, हमें x के प्लेस पर पहले में प्लस 1 रख के चेक करना होता है, फिर माइनस 1। अगर इस पर नहीं आता है तो प्लस 2 और फिर माइनस 2। इस पर नहीं आता है तो प्लस 3 फिर माइनस 3। ये वैल्यू अपने तरफ से ले करके बार बार हमें चेक करना पड़ता है। क्या चेक करेंगे कि अगर हम x की वैल्यूज पूरे इक्वेशन में रखें तो अगर वो पूरा टर्म जीरो हो जाए तो वो उसका फैक्टर होगा, अगर नहीं जीरो होगा तो फैक्टर नहीं होगा। तो हम इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। सो चेक करेंगे सॉल्यूशन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वन रखने वाले हैं, प्लस 1 कहाँ पे रखेंगे, ये जो हमारा है वो px के इक्वल है, x क्यूब्ड माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, पुट x इज इक्वल टू 1, देन ठीक है। हम सबसे पहले देखो जहां जहां पर x है वहां वहां पर 1 पुट करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहां पर जो है 1 आ जाएगा, p अंडर ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 2 इनटू 1 स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो देखो जब आप 1 का क्यूब करोगे तो आंसर आपको 1 आएगा, माइनस 2 इनटू 1 का स्क्वायर 1, देखो यहां पर भी 1 रखना है, माइनस 1 प्लस 2। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 1 2 1 जा 2 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। अब देखो ये प्लस 1 और ये प्लस 1 प्लस 3 हो गया, ये माइनस 2 और ये माइनस 2 माइनस 3 हो गया। तो आंसर क्या हो गया, px की वैल्यू 1 पर जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो गया। तो इसका मतलब ये तो 100% श्योर है कि 1 जो है एक फैक्टर होगा। क्या होगा? 1 एक फैक्टर होगा। तो आप समझो, देखो सुनाओ, ये जो हमने लिया है x इज इक्वल टू 1, इस 1 को आप इधर ले आओ तो देखो इधर प्लस साइन है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और जब इधर कोई भी नंबर नहीं बचेगा 1 इधर आ जाएगा, तब ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अब यही x माइनस 1 एक जी एक्स बन जाएगा। आपको पता है ना जी एक्स क्या होता है, जी एक्स वैसा पॉलिनोमियल होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास पी एक्स है और ये हमारे पास जी एक्स है, इस पी एक्स में हम जी एक्स से डिवाइड करेंगे। नाउ वी डिवाइड पी एक्स बाय जी एक्स, देन वी हैव। ठीक है, तो मैं थोड़ा आगे डिवीजन कर लेता हूं।
अब देखो डिवीजन थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। अब डिवीजन हम कुछ ऐसे करेंगे, इधर हो जाएगा हमारा x माइनस वन, और यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे x क्यूब माइनस टू x स्क्वायर माइनस x प्लस टू, इधर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम डिवीजन करते समय, ये देखते हैं कि इसका जो ये पहला टर्म है इसका और इसका, ठीक है, इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म क्या करेंगे, ऐसे बगल में डिवाइड कर देंगे। देखो इसका पहला टर्म x के पावर 3 है यानी कि x क्यूब है, और इसका पहला टर्म x है, तो आप जब इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, मतलब इससे हमें इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा कोशियंट में आएगा, किसमें आएगा, कोशियंट में आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर को इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस वन में, तो एक्स स्क्वायर से देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स रेज टू द पावर 3 और एक्स इंटू माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के केस में क्या होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनके पावर एड हो जाते हैं मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो ये जो टर्म है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या होता है जब हम सब्ट्रैक्शन करने जाते हैं तो साइन बदल जाते हैं, तो यहाँ पे प्लस साइन है माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन है प्लस हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर, तो नंबर टू का बड़ा है तो साइन माइनस का आ जाएगा और वन एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो वन हम लिखते नहीं है, मतलब सिर्फ एक्स स्क्वायर रिमेन होगा, ठीक है। अब ये अगला टर्म हम राइट कर लेंगे, अगला टर्म क्या है माइनस एक्स, ठीक है, ये वाला रफ वाला पोर्शन आप लिखते चले, है ना। तो अभी देखो अब फिर से जो इसका पहला टर्म है और इसका पहला टर्म है बदल जाएगा, तो अब इसमें हम इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर में हम एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो देखो एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आएगा माइनस एक्स आएगा, क्या आएगा माइनस एक्स आएगा, यानी कि इस माइनस एक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे माइनस एक्स और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स अंडर ब्रैकेट एक्स माइनस वन। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस एक्स इंटू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस एक्स इंटू वन माइनस वन, देखो यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस सबसे पहले प्लस हो जाएगा, एक्स बन जा एक्स हो जाएगा। अब ये जो पूरा टर्म है ये हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो सबसे पहले आएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो साइन है हमारा बदल जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन एक्स और माइनस वन एक्स आपके पास बनेगा माइनस टू एक्स, कितना बनेगा माइनस टू एक्स, और ये वाला जो सेक्शन है प्लस टू इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ठीक। अभी देखो इतना पहले आप राइट कर लो, हम इसको हटा दें, तो ये रफ वर्क है, इसको आपको दिखाना नहीं है, आप बगल में कहीं भी रफ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या है ना, हमारे पास एक टर्म ये है पहला वाला और एक टर्म ये है पहला वाला, तो इसमें इससे ऐसे रफ में डिवाइड करके देख लेंगे, माइनस टू एक्स में हम एक्स से डिवाइड करके देख लेंगे, तो देखो ये एक्स इससे कट जाएगा बचेगा माइनस टू, इसका मतलब इस बार हमें जो मल्टीप्लाई कराना है वो किससे मल्टीप्लाई कराना है, माइनस टू से मल्टीप्लाई कराना है, किसमें कराना है इसमें एक्स माइनस वन में, तो जब हम माइनस टू को एक्स माइनस वन में मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, टू इंटू एक्स टू एक्स आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, टू वन जा टू आ जाएगा, ये हम पूरा यहाँ पे राइट कर लेंगे माइनस टू एक्स प्लस, जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन बदल जाएंगे, है ना। देखो ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा और अपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाते हैं और रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, तो जब रिमाइंडर जीरो हो गया तो इस केस में हमारा कोशियंट क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब इस कोशियंट को हम फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे इस कोशियंट को हम फैक्टराइज करेंगे, तो चलिए फिर फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए अपने,
नाउ फैक्टराइज द कोशेंट डी है। देखिए कोशेंट क्या है हमारे पास, कोशेंट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो यहाँ पर इसको अगर हमें फैक्टराइज करना है तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट ऑफ एसी फाइंड करना होगा। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू वन है, तो वन वन जा वन, सॉरी ए की वैल्यू वन है और सी की वैल्यू कितना है टू, तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा टू, कितना आएगा टू है ना। तो यहाँ पर टू को क्या फैक्टराइज कर सकते हैं, टू के जो फैक्टर है वो क्या क्या ले सकते हैं, तो देखो एक को टू वन जाए टू ले सकते हैं, यही ले ही सकते हैं और कोई फैक्टर नहीं बन सकता है ना, टू वन जाए टू ही बनेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब अगर हम टू वन जाए टू बनेगा तो यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा कि भाई इसको ऐड करने पे सब्ट्रैक्ट करने पे वन आ रहा है कि नहीं। बी की वैल्यू कितनी है, देखो वन है, लिखा नहीं है लेकिन वन है। तो अगर हम टू माइनस वन कर देंगे तो वन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर कहाँ पे रखना है, जहां पर भी है वहां पे टू माइनस वन रखना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे ब्रेकेट, एक्स स्क्वायर देखो माइनस साइन और प्लस साइन, तो माइनस टू इंटू एक्स टू एक्स, माइनस साइन इंटू माइनस साइन प्लस साइन, वन इंटू एक्स वन एक्स, और आपको पता है कि वन राइट करते नहीं है, यानी कि सिंपली क्या आएगा एक्स माइनस टू। अब ये दो टर्म का एक ग्रुप, ये दो टर्म का एक ग्रुप, इनमें से हम कुछ कॉमन लेंगे, तो नंबर है नहीं, हम एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ से एक एक्स यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा एक एक्स माइनस टू, एक्स कॉमन हो गया तो केवल और केवल टू बचेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स माइनस टू है और यहाँ पर भी एक्स माइनस टू है, तो जब यहाँ पर सेम होता है तो हम केवल और केवल प्लस वन कॉमन लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस टू, तो एक तो हमारी तरफ हो गया एक्स माइनस टू, क्योंकि देखो यहाँ भी है तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा एक्स और यहाँ पर बचेगा प्लस वन, यानी कि एक फैक्टर हुआ एक्स माइनस टू और एक फैक्टर हुआ एक्स प्लस वन। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ से है ना, यहाँ से एक इक्वेशन और यहाँ से दूसरी इक्वेशन, तो उठा करके हम कहाँ रखेंगे, और डिवीजन थ्योरम में यहाँ पर फार्मूला होता है पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स और जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, पी एक्स पॉलिनोमियल यानी कि डिविडेंड, जी एक्स डिवाइजर, क्यू एक्स क्वाशियंट, आर एक्स रिमाइंडर। तो आप अगर यहाँ से देखोगे तो जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है। जो जी एक्स है वो कितना है, तो देखो जी एक्स ये हुआ ना, ये डिवाइजर, तो जी एक्स है हमारे पास एक्स माइनस वन, और जो क्यू एक्स है वो ये है ना क्वोशिएंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखो, आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू के प्लेस पर ये फाइंड किया है, तो इसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस प्लस वन एक्स माइनस। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है, ये हमारा सेकंड फैक्टर है और ये हमारा थर्ड फैक्टर है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा थोड़ा हार्ड वाला मेथड, और आपने देखा कि इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन फाइंड करने में हमको काफी टाइम लगा और काफी मेहनत भी करना पड़ा। तो अभी के लिए आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम बताते हैं कि इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या होगा।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। अब हम इसे रिमूव कर देते हैं। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि टोटली आपकी माइंड और नॉलेज पे डिपेंड होता है कि आप कहाँ से क्या कर सकते हो। आपका तरीका सही होना चाहिए आंसर कैसे लिया है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में होता है क्लास 10 में, है ना। आंसर सही आना चाहिए, आपका रूल फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट करते हैं अल्टरनेटिव मेथड या फिर सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड को थोड़ा ध्यान से समझना और मुझे बताना कि आपको पहला मेथड अच्छा लगा या दूसरा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस टू, आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ इसको हम दो टर्म में अगर डिवाइड करते हैं, यहाँ से अगर हम यहाँ से इसको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं इधर और इधर, तो इसमें तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा वन के सिवा, लेकिन इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, x के पावर 3 है और x के पावर 2 है, तो यहाँ से x के पावर 2 कॉमन हो सकता है। तो करते हैं फिर कॉमन, जब हम यहाँ से x के पावर 2 कॉमन लेंगे तो देखो x के पावर 3 है, बचेगा ओनली x। पावर डायरेक्ट क्या होते हैं, या तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं निकालने पर और एड मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्ट एड हो जाते हैं। तो यहाँ पर पावर 2 निकालना है तो 2 कम हो जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ से डायरेक्ट एक्स स्क्वायर ही निकल जाएगा तो केवल 2 बचेगा। यहाँ से हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, 1 एक्स बचेगा, और यहाँ से 2 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, केवल 2 बचेगा। यहाँ से तो हमने कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 2 आया, लेकिन यहाँ से क्या कॉमन लेंगे। पहली बात तो देखो, हमने आपको कई बार बताया है कि अगर तीसरे पोजिशन पे माइनस साइन हो और यहाँ से कॉमन लेना हो तो हम पहले तो माइनस साइन कॉमन लेते हैं, और फिर यहां से अगर हमें कुछ कॉमन नहीं लेना है तो फिर हम 1 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 2, यहाँ पर माइनस साइन था प्लस साइन हो गया, प्लस साइन था माइनस साइन हो गया। तो इतना अगर आप ढंग से समझ लिए तो देखो ये वाला ना और ये वाला बिल्कुल सेम सेम है तो कॉमन हो सकता है। तो x माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो ये निकाल लिया आपने तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर, और ये माइनस 1 से ये निकाल लिया तो बचेगा केवल और केवल माइनस 1। इतना अगर आपने कर लिया तो आप सोचो, देखो इसमें कुछ हो नहीं सकता है लेकिन इसमें हो सकता है। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखो x स्क्वायर लिखा है 1 लिखा है, तो 1 पे हम अपने मन से कितनी भी पावर बढ़ा सकते हैं, फिलहाल हमें पावर 2 की रिक्वायर है तो हमने पावर 2 बढ़ा लिया। अब ये इस फॉर्म में हो गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, ये चीज आप यहाँ पर लिख दीजिए। कहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर x प्लस 1 और x माइनस 1। आपका ये 3 फैक्टर आराम से हो गया, ये आपका आंसर है। हाँ आप चाहो तो इसे थोड़ा ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कैसे, देखो माइनस वाले पावर को पहले लिख दो x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आपने देखा इस क्वेश्चन का आंसर मुश्किल से 1 से 2 मिनट में हो गया, और उस तरीके का आंसर में हमको अराउंड 10 मिनट्स लग गए। तो आप खुद ही डिसाइड करो कि कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट होगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। इसी प्रकार के वीडियो लेकर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।